RL BP, elevation in boiling point, depression in freezing point, then osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है, osmosis क्या होता है, हमने कल देखा. Pi is equal to CRT उसका equation है. C मतलब होता है molar concentration. तो हमने osmotic pressure की बात कर ली. उसके बाद देखा हमने Van't Hoff factor कि कितने गुने कितना गुना particles बढ़ते हैं या कितना decrease होते हैं, ये हमें बताता है Van't Hoff factor. अभी हमारा क्या है वहां पे कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज से मैच नहीं होती है. मतलब जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अब तक हमने क्या लिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की थी. अभी हम जो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जाके डिसोसिएट होता है या तो एसोसिएट होता है. और कल हमने जितने भी एग्जाम्पल किए डिसोसिएशन के किए, एक तो हमने देखा कि 100% डिसोसिएट हो रहा है और एक हमने देखा कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है. पार्शियली डिसोसिएट होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की थी अल्फा. अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट. तो डिसोसिएशन हमने देखा था, दो तीन एग्जांपल देखे, शायद NaCl था, MgCl2 है, AlCl, व्हाटएवर द जो एग्जांपल आपको लेना है आप ले सकते हो, बट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए कि जो कि डिसोसिएट होता है, जो क्या होता है यहाँ पे डिसोसिएट होगा. अभी हम बात करते हैं एसोसिएशन की. अभी हम बात करेंगे एसोसिएशन. अभी डिसोसिएट में आई हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा. जब भी डिसोसिएशन की बात करेंगे आई हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन वन रहेगा, क्योंकि डिसोसिएट हो रहे हैं ना. क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहा है, मतलब एक मोल जाके टू मोल्स में डिसोसिएट हो रहा है. तो डिसोसिएशन में हमेशा आई की वैल्यू ज्यादा होती है. अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं, तो यहाँ पे देखो मैंने लिया हुआ है एसिटिक एसिड. किसका एग्जांपल लिया है, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड अगर मैं इसको बेंजीन में जाके डिसॉल्व करूं, अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड इफ डिसॉल्व इन बेंजीन, और यहाँ पे 100% एसोसिएशन होता है, क्या होगा, 100% एसोसिएशन होगा. और ये जाके डाइमर फॉर्म करता है, किस तरह से देखो, CH3, C डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे रहेगा CH3. तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मतलब अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करूं तो ये क्या होगा, ये एसोसिएट होगा. ये क्या होगा, एसोसिएट होगा. मतलब मैंने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स डाले हैं या कितने मोल्स डाले हैं, मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स डाले, दो मॉलिक्यूल से एक बॉन्डिंग बना के एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन. इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन. मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू निकालना है. आई का फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि नंबर ऑफ पोल एसोसिएटेड आफ्टर द एसोसिएशन कितना है, वन है. बिफोर द एसोसिएशन कितना है, टू है. आई की वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाय टू. तो यहाँ पे हमेशा आई लेस देन वन रहेगा. एसोसिएशन में आई हमेशा लेस देन वन होता है. क्लियर है. जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इन बेंजीन सॉल्यूशन में फॉर्म और डाइमर, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें बोल रहा मैंने, इन बेंजीन फॉर्म डाइमर. क्या फॉर्म करता है, ये डाइमर फॉर्म करता है. तो डाइमर मतलब यहाँ पे दो अटैच हुए, एसोसिएट हुआ और डाइमर फॉर्म हुआ. अभी यहाँ पे अगर मैं लू, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप बेंजोइक एसिड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो. कैसे, 2C6H5COH, ठीक है, C6H5COH, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड. सब लोग जानते हो ये क्या है, बेंजोइक एसिड है. बेंजोइक एसिड भी सॉल्यूशन में जाके क्या करेगा, डाइमर. किसमें डिसॉल्व करेंगे, बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे. 100% एसोसिएशन हो रहा है, मान लो 100% एसोसिएशन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, C6H5, C डबल बॉन्ड यहाँ पे OH, C यहाँ पे डबल बॉन्ड
OH, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या रहेगा C6H5। तो ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, एक डाइमर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म करता है, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हमेशा डाइमर फॉर्म करेंगे, सोल्यूशन में जाके वो चिपक जाते हैं। हमें लगता है हमने 2 मोल्स डाले हुए हैं, बट सोल्यूशन में कितने के लिए होता है, 1 मोल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस सोल्यूशन में एसोसिएशन में अगर मैं बात करूँ, तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमेशा लेस रहेगी कैलकुलेटेड से, हमेशा लेस रहेगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। जो डिसोसिएशन हो रहा था, डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, डिसोसिएशन में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ज्यादा थी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट एसोसिएशन में क्या हो रहा है, जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ज्यादा आ रही है, मतलब कैलकुलेटेड मतलब जो वन जो मैंने की थी, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व कितना आया, हाफ आया, तो इसका हाफ कहेगा। चलो लिख लो जल्दी से, ये नोट करो। चलो आज थोड़ा से लोग अब्सेंट लगाई दे रहे, मेरे कम लोग आए आज, क्या हुआ? चलो हो गया, समझ में आया? बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अ डाइमर विद बेंजीन, आई लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन। आई कैसे निकालते हैं, हमने कल देखा टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, वैन हॉफ फैक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, वैन हॉफ फैक्टर की। चलो रफ कर दूं, नेक्स्ट। अभी इसी के लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। किसकी वैल्यू, अल्फा। चलो क्या निकाल रहे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, एसिडिक एसिड का एग्जांपल ले लो, चलो वही लेते हैं। CH3COH कितना लिया मैंने, 2, कितने मोल्स डाले, 2 मोल्स। यहाँ पे ये एसोसिएट होगा और एसोसिएट होके क्या फॉर्म करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा, मतलब CH3COH और यहाँ पे क्या है बेटा, बाय टू कर दो ना, डाइमर हो रहा है यहाँ पे। अभी मुझे बताओ इनिशियल कितने मोल्स है यहाँ पे, इनिशियल में मान लो यहाँ पे मेरे पास 1 मोल है, सही है ना, इनिशियली कितना है, 1 है, और यहाँ पे इनिशियल कितना होता है, 0। अभी मत बोलना कि मैम इनिशियली 2 है, ये नहीं है, हमने इनिशियल हम 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अभी जैसे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, 1 माइनस अल्फा, 2 से 1 फॉर्म हो रहा है, तो अल्फा से कितना होगा, अल्फा बाय 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है, यस गुड नीति, ठीक है। चलो आई निकालो इसके लिए, आई इज इक्वल टू टोटल आफ्टर एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, सही है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, बिफोर कितना था, 1 है, I इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ सॉरी 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या आया यहाँ पे, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। अभी मैं बोल रही हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म कर रहा है, बट हमेशा कंपाउंड डाइमर फॉर्म नहीं करेगा, कुछ कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो ट्राइमर भी फॉर्म करते हैं, टेट्रामर भी फॉर्म करते हैं, जो फॉलिकुल है वो डाइमर टेट्रामर भी फॉर्म करेंगे। तो इसने क्या फॉर्म किया, ये डाइमर फॉर्म हुआ, ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये डाइमर है, ठीक है, चलो नोट करो। एक ट्राइमर भी एग्जांपल करते हैं, चलो ट्राइमर का भी कर लेते हैं।
डायमर मतलब दो, ट्राइमर मतलब तीन। चलो रफ कर दू। अभी इसी की जगह पे, डायमर की जगह पे अगर मैंने ट्राइमर लिया, क्या फॉर्म कर रहा है? ट्राइमर। कैसे लिखूंगी? 3x, यहां पे क्या हो जाएगा? x3, यही है ना, ट्राइमराइज हुआ है। इनिशियली कितना है? इनिशियल 1 है, ये कितना होगा? 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम ये कितना होगा? एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 3 हो जाएगा, सही है? आई कैसे निकालोगे? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस 3 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा बाय यहाँ पे 3 माइनस 1, 2 अल्फा होगा ना यहाँ पे, 2 अल्फा बाय 3 आ गया, ठीक है? अभी इसी को मैं जनरल जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इसी को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। चलो एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल कैसे लिखोगे जनरल फॉर्म में? देखो यहां पे क्या है, एन ए, क्या मिल रहा है यहां से हमें? एन ए से हमें क्या मिल रहा है, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, एन ए, यहां पे एन ए, यहां से क्या मिल रहा है? एन ए एन मिलेगा। इनिशियल कितना होगा? इनिशियल 1 होगा, ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना जाएगा यहां पे? अल्फा बाय 3, तो यहां पे आ जाएगा अल्फा बाय एन, सही है? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, एन अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा यहां से, तो मैं अल्फा को कॉमन निकाल दूं तो यहां पे बचेगा 1 माइनस एन माइनस 1। इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे और मैं आगे बढ़ा सकती हूँ इसको, एन अल्फा प्लस 1 ये हो गया, तो और मैं इक्वेशन अगर इसको बढ़ाऊ आगे तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं ये इसको इस तरह से लिख दू, आई माइनस 1 की फॉर्म में लिख दू, आई माइनस 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो यही तक रहने दो, क्या ही करना है, यही तक रहने दो, आगे जाओगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक हमने केस पढ़ा है डिसोसिएशन का, और दूसरा जो केस है हमारा कौन सा है? एसोसिएशन। एक है डिसोसिएशन, दूसरा है एसोसिएशन। क्लियर हुआ है? अभी देखो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है अभी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गए या एसोसिएट हो गए। अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा रफ कर दूं, हमने क्या लिखा था? आई हमने क्या लिखा था पहले बताओ मुझे। आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यही लिखा था, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। क्या यही बात कही थी मैंने जब आई फैक्टर वेंटॉफ फैक्टर बोला था, तो मैंने यही फॉर्मूला लिखा था। क्या मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख सकती हूँ? यहाँ पे आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आफ्टर डिसोसिएशन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये क्या होगी? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे जो टोटल मोल्स है बिफोर डिसोसिएशन मतलब वो तो थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात
समझ में आ रही है? मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन वो तो कैलकुलेटेड है ना, कि मैंने मान लिया कि वन है, तो यहां पे मैं इसको बोल सकती हूँ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी यहां पे देखो, इसी से हम लॉ बनाएंगे। पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? राउल्स लॉ, सॉरी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे जो आरएल वीपी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इक्वेशन क्या था, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट, यही था। ये कौन सी थी? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स टू यहाँ पे, और इनटू क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर है, मतलब आई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और आप आई कैलकुलेट कर सकते हो, आपने अभी तो किया है आई कैलकुलेट। तो पी नॉट माइनस पी, दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या होगा? थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब एक्स टू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेंट ऑफ फैक्टर। सेकेंड कौन सा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉट। क्या फॉर्मूला लिखा था? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी, और इंटू क्या कर दोगे आप? आई कर दोगे। किसके लिए? जब सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है तब। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जो थियोरटिकल प्रॉपर्टी है इंटू क्या जाएगा? वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि चेंज होगा ना, एक तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था यहाँ पे? पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई आ जाएगा। तो अभी हमें आगे जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए हमें आई की भी वैल्यू निकालनी है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो गए या तो डिसोसिएट हो गए, तो उसमें हमें क्या निकालना है? अभी वेंट ऑफ फैक्टर भी निकालना है। वेंट ऑफ फैक्टर सबको निकालना आता है। आई की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, या आप ये भी बोल सकते हो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कभी कभी दिया जाएगा कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कहेंगे, या कोई भी एलिवेशन है, डिप्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाटएवर जो भी है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। चलो पहले नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो फास्ट चलो, हो गया है, गुड, बाकी सबका हो गया है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। फॉर्मूला याद रखो वेंट ऑफ फैक्टर का। मैडम क्वेश्चन नंबर वन, सिंपल क्वेश्चन दे रही हूं। 0.15 molar solution of NaCl has freezing point -0.52 degrees Celsius। freezing point है तो minus। Calculate Wendt Hof factor। Calculate Wendt Hof factor। और यहां पे Kf दिया हुआ है 1.86 Kelvin kg per mole। चलो ट्राई करोगे,
क्या निकालने के लिए कहा है? सिंपल वैन फॉर फैक्टर आपको निकालने के लिए कहा है. पहले ट्राई करो. कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फॉर्मूला अभी पता है, NaCl दिया. NaCl कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट है. NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट करेगा. फास्ट फास्ट फास्ट. चलो, किसी का नहीं आया आंसर अभी तक. गुड, अप्रोक्सीमेट सही है. गुड साइड. और बाकी बस हो गया. अरे क्या करना है, कुछ ज्यादा तो करना ही नहीं यहाँ पे. ऐसे क्या सोच रहे हो इतना? क्या फॉर्मूला है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी. और मैंने कहा NaCl दिखा रहा है ना, वैन फॉर फैक्टर तो पूछा है. आई आई की वैल्यू पूछिए. आई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. के एफ इंटू मोलैलिटी. डेल्टा टी एफ यही तो डिफरेंस है, 0.52. अभी देखो, ये जो डिफरेंस होता है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसमें कोई ये नहीं है. डिप्रेशन है इसलिए माइनस. केएफ की वैल्यू कितना है? 1.86. मोलालिटी कितना दिया है? 0.15. पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल कर दो और आंसर निकाल लो. यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू आ रही है. और यहाँ पे आई की वैल्यू किसी ने निकाला और आंसर नहीं, किसी ने निकाला. ये आंसर दिया है 1.864. बस इतना इजी था. यही फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो ना. अभी तो मैंने यही लिख के दिए ना सबकी जगह पे फॉर्मूले. बाकी क्या चेंज किया है? बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. ओके चलो सेकेंड लो. मैं जल्दी जल्दी रख कर दू. चलो डन. Right on, next, second. 0.6 ml of 0.6 ml of glacial acetic acid with density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 kg water and solution freezes at and the solution freezes at -0.0205 degree Celsius. Calculate Van't Hoff factor. Calculate Van't Hoff factor. KF diya hai for
water is 1.86 Kelvin kg per mole. करो, ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा. जितना कर सकते हो ट्राई उतना करो. उसमें भी अलग अलग मेथड है, जो मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो उस मेथड से. मैं आपको हर एक मेथड शॉर्टकट में बता रही हूँ, क्योंकि आप जेईई और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम शॉर्टकट मेथड से जाएंगे. डेंसिटी दी है, डेंसिटी किसमें, ग्राम पर एमएल में ही है. चलो सही सही से आंसर निकालो. ट्राई करते जाओ तभी होगा. नीथिंग गलत हो रहा है. गुड साहिल, वेरी गुड. डेंसिटी दी है बाय यूजिंग डेंसिटी, और वॉल्यूम भी दिया है बाय यूजिंग डेंसिटी एंड वॉल्यूम. यू कैलकुलेट मास, मास इज इक्वल टू. गुड प्रीति, वेरी गुड. चलो सबका आंसर आना चाहिए. मेघा, जोयल आंसर करो. अथर, गुड जोयल. जो निकाल के रख देते हो, आंसर भी बताया करो ना, बोलना पड़ता है क्या क्या. आंसर करो, अगर आप आंसर करोगे तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गुड सूरज, ओके जोइल, नो प्रॉब्लम. मेघा, आकांक्षा, अंजलि, संकेत, गुड अथर, गुड. चलो जल्दी जल्दी. हो गया, बस बाकी क्या कर रहे हो, बाकी लोगों का क्या राय है. चलो जल्दी जल्दी. गुड मेघा, वेरी गुड. चलो आंसर आ गया सबका, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. चलो ठीक है, आंसर है 1. नितिन, तुझसे ये उम्मीद नहीं है, तुझसे ये उम्मीद नहीं है. तू बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, क्या सॉल्व करना है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट वाला है. डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई.
यहाँ पे देख रहे हो 1 kg वगैरह बात आ रही है, डेंसिटी वाली बात है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ये होगा के एफ। ठीक है, पहले आई निकाल लेती हूँ, पहले आई को लेके आते हैं। ओके सर, ठीक है, आई इज इक्वल टू एंड ऑफ फैक्ट्री पूछ रहे ना, आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड के एफ इंटू मोलैलिटी। अभी तुझे बताया कि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी में। क्या तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है? नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी गिवन मास नहीं पता है हमें, गिवन मास नहीं पता है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी दी है यस 1.06, वॉल्यूम कितना दिया है 0.6, तो ये आ जाएगा आपका मास, ये क्या आ जाएगा आपका मास हो जाएगा यहाँ पे, तो 1.06 इनटू 0.6 तो 0.6369। चलो वैल्यू को याद है, डेल्टा टी एफ कितना दिया है 0.0, मैंने कहा केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.0205, के एफ की वैल्यू दी है 1.86। चलो यहाँ पे देखो गिवन मास कितना दिया है 0.6369, मोलार मास NaCl का, किसका मोलार मास NaCl, NaCl का मोलार मास कितना होगा, क्योंकि NaCl दिया है ना यहाँ पे, सॉरी NaCl दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड CH3COH, कार्बन कार्बन 24, ऑक्सीजन 16, 32, और ये हो जाएगा 4, 8, 10 और 5, 6, 60 आ रहा है, 60 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यहाँ पे कितना दिया है, ये 1000 वैसे भी कैंसिल होने वाला है तो मैंने नहीं लिया हुआ, 1000 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया है, तो 1.03 इसका आंसर आ रहा है। ओके नितिन, साक्षी क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर थर्ड ना, थर्ड है शायद, थर्ड ही, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 molar BaCl2 solution at 300 केल्विन, आर की वैल्यू दी है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। चलो अगर समझ में आए ये दो न्यूमेरिकल समझ में आए तो ये तो बहुत इजी है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, BaCl2, BaCl2 कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही इजी है, शॉर्टकट मेथड से करो, लॉन्ग कट से भी जा सकते हो बट क्यों जाना।
चलो जल्दी जल्दी। गलत हो रहा है सूरज, एक बार चेक कर। मेरे पास आंसर अलग है। 0.1 मोलर BaCl2 दिया, 300 कैलोरी, 0.5। गुड नितिन, नितिन सही है, मतलब सूरज गलत है। साहिल गलत है। गलती कहाँ पे कर रहे हो? क्योंकि सूरज और साहिल का आंसर सेम आया है, मतलब गलती कुछ एक कॉमन गलती कर रहे हो आप, ऐसा लग रहा है मुझे। पर गलती करने के कोई चांसेस है नहीं वैसे। अच्छा वेंट ऑफ एक्टर में गलती कर दी, ओके हाँ वही गलती होगी क्योंकि बाकी गलती करने लायक तो कुछ है ही नहीं वहां पे। वेंट ऑफ एक्टर में गलती हो रही है, BaCl2 में आप डिसोसिएट सही से नहीं कर पा रहे हो। चलो जल्दी जल्दी फास्ट। मेघा, जोएल, आंसर नहीं आया अभी तक। अभय, अथर्व, क्या हुआ यार इतना, मतलब क्या सोच रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, पाई इज इक्वल टू CrT और BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है। गुड साहिल, अब सही है। कहाँ गलती कर दी थी साहिल? वेंट ऑफ फैक्टर में। चलो यही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इतना इजी। प्रीति गलत हो रहा है, तुमने भी गलती कर दी प्रीति। सर गलती कहाँ कर रहे हो? और आंसर सबका सेम आ रहा है, मतलब गलती भी देखो। इक्वेशन क्या लिखा? पाई इज इक्वल टू CrT ना, BaCl2 है तो इनटू I रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए का सी कॉन्सेंट्रेशन 0.1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर इन केल्विन 300। हाँ I में गलती कर सकते हो। अच्छा आई फाइंड ही नहीं किया था, वेरी गुड। वो इलेक्ट्रोलाइट है दिखा ही नहीं तुम लोगों को, वेरी गुड। BaCl2 Ba2 प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस 2, कितना आ रहा है 3, तो इनटू 3 हो जाएगा ना। क्लियर है? आई 3 आ रहा है, गलती वही पे कर रहे हो। 7.389 ऑस्मोटिक प्रेशर किस में लेते हो? ATM में। यूनिट क्या रहेगा? ATM। क्लियर हो रहा है भाई? अगर उसको आई को ही भूल जाओगे तो हो गया, फिर तो आई को ही भूल गए, क्या मतलब निकाला। ठीक है चलो, फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया हमने, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ले लिया, शायद एलिवेशन भी ले लिया था। एक थोड़ा सा अभी चेंज कर दू, the freezing point of a the freezing point point of 0.1 molar, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, 0.5 molar K4FeCN by 6, K4FeCN by 6 दिखाई दे रहा है सबको? ये नीचे लिख देती हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा है। K4FeCN by 6 solution is -0.72 degree Celsius. If KF is equal to 1.86 Kelvin kg mole inverse, calculate the percentage dissociation. Question change हो गया, calculate the percentage
परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K4 Fe CN by 6 परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा पहले निकालो, अल्फा निकालने के बाद निकालोगे अल्फा इंटू 100 तो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा। पहले सोचो कैसा करोगे, किसी को आता हो तो कर लो, नहीं तो मैं दूंगी, मैं सॉल्व करके दे दूंगी। अभी वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, ये याद रखो। अभी शॉर्टकट से निकलने के चांसेस बहुत कम है। शॉर्टकट से कर लेते हो, कर सकते हो क्या? 1 माइनस आई की वैल्यू रख दो भैया। चलो आई तो निकलेगा नहीं डायरेक्टली, आपको वो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलो। किसी का आंसर आ रहा है? चलो किसी का हो रहा है। चलो मैं सॉल्व करूं। हो रहा है किसी से? चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए कहा है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलार K4FeCN/6 क्या दिया है? K4FeCN/6 सॉल्यूशन दिया है। Kf की वैल्यू दी है, मतलब पहले तो आपको दिया है गिवन में, चलो 1/1 चलते, गिवन में दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 0.1 मोलर। केएफ की वैल्यू मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रही है, केएफ कितना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल है यहाँ पे, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 273 केल्विन, ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। यहाँ पे मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ, क्या मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ है K4 सॉल्यूशन इज फ्रीजिंग 0. कितना है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है TF निकालना है। TF कैसे निकालोगे यहाँ पे 273 यहाँ पे प्योर वाटर प्लस क्या कर दोगे यहाँ पे माइनस 0.72, यही तो फॉर्मूला आपने देखा ना, तो 273 माइनस 0.73 कितना फ्रीजेस हो रहा है यहाँ पे 272.28 केल्विन में, ठीक है? किसमें आया ये केल्विन में आ गया, ठीक है? यहां तक तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे डेल्टा TF ऑब्जर्व जो हमने ऑब्जर्व किया है, क्या निकाल रही मैं यहाँ पे
डेल्टा टी एस यहाँ पे हम ऑब्जर्व निकालेंगे. अभी डेल्टा टी एस ऑब्जर्व निकालना है तो ऑब्जर्व और एक दूसरा कौन सा निकालना है, थियोरेटिकल निकालना है. आपको पता है ना आई में क्या आ रहा है, वैन डर वाल्स फैक्टर जो निकाल रहे हैं उसमें ऑब्जर्व आ रहा है और उसमें क्या आ रहा है, थियोरेटिकल आ रहा है. तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम ऑब्जर्व निकालेंगे उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे थियोरेटिकल, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे थियोरेटिकल. तो पहले हम ऑब्जर्व निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है ऑब्जर्व का, टी नॉट माइनस टी, यही तो आप लोगों ने देखा, ये तो ऑब्जर्व था ना, टी नॉट माइनस टी. टी नॉट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे टी क्या होता है, सॉल्यूशन. तो यहाँ पे टी नॉट कितना है, 273 माइनस 272.28. यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व कितना आ रहा है, 273 माइनस 2.72, वही आ रहा था, मैंने बोला इतना ही डिफरेंस आता है, 0.72. उसके बाद निकालो डेल्टा टी एफ, दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देती हूँ, डेल्टा टी एफ कौन सा निकालोगे, थेरोटिकल, टी एच लिख रही है यहाँ पे. थेरोटिकल कैसे निकालते हो, यहाँ पे के एफ इंटू क्या निकालोगे, एम निकालोगे. के एफ कितना है, 1.86. मोलैलिटी कितनी दी है, 0.1. मोलैलिटी कितनी दी है, 0.1. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर निकाला ना मैंने इसको, तो ऐड कर दोगे ना यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा. मैंने ये नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने माइनस किया हुआ है, यहाँ पे जब निकालूंगी तो वो तो सॉल्यूशन का निकालना है मुझे. ओके, थियोरेटिकल कितना होगा, के एफ इंटू एम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.186, निकल गया. चलो आर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, ऑब्जर्व अपॉन क्या होगा यहाँ पे, थियोरेटिकल. तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व, डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल. ऑब्जर्व कितना दिया है, हमने जो ऑब्जर्व किया था 0.72, थियोरेटिकल कितना आया 0.86. तो यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्या, नहीं, यहाँ पे आंसर आ रहा है 3.87 जो मेरे पास है. हमें आई नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है परसेंटेज डिसोसिएशन. ऊपर का रब कर देती हूँ मैं थोड़ा सा पहले, आपके पास सबके पास है, चलो मैंने आई निकाल दिया. अभी आपको पता है क्या है यहाँ पे, के फोर एफ ई सी एन बाय सिक्स, इसको डिसोसिएट करना है. कैसे डिसोसिएट होगा, 4K+ और यहाँ पे आएगा एफ ई सी एन बाय सिक्स, यहाँ पे 4-, डिसोसिएट हुआ. अभी देखो यहाँ पे ये कितना है, पहले तो 1 रहेगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ पे 1-α हो जाएगा, तो ये 4α हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा. यहाँ पे आई निकालो, आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1-α + 4α + α डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, अल्फा अल्फा गेट कैंसिल, 1 + 4α, कितना आया 1 + 4α. तो यहाँ पे 4α इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i-1 हो जाएगा. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i-1/4. i की वैल्यू कितना है, 3.87 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4. आप ऐसे निकाल लो, सही है, आंसर आ रहा है 0.7175. हमें निकालना है परसेंटेज, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, तो 71.75% आ जाएगी. क्लियर हुआ है, पहले क्या निकालना है, ऑब्जर्व, उसके बाद थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, यहां पे आ जाएगा परसेंटेज डिसोसिएशन. किसी को डाउट है यहां पे,
साक्षी क्या हुआ? लास्ट पार्ट में क्या हुआ? इसको डिसोसिएट करने आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN/6, क्रिस क्रॉस मेथड कर दो। इसमें क्या होगा? FeCN/6 ये डिसोसिएट होगा FeCN/6 4 माइनस में, और यहां पे क्या हो जाएगा? 4K प्लस हो जाएगा। यहां पे पहले इनिशियली 1 है, ये 0 0, 1 से 4 हुआ तो 1 माइनस अल्फा जाएगा, तो 1 से 4 तो अल्फा से 4 अल्फा, 1 से 1 हो रहा है तो अल्फा से कितना होगा? अल्फा होगा। आय कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल जो 1 है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा? 1 प्लस 4 अल्फा। अभी आय की वैल्यू मुझे पता है 3.87 है, तो 1 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 3.87, माइनस 1 कर दो 2.87 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 0.71। लेकिन हमें अल्फा नहीं कहा था, हमें कहा था परसेंटेज, तो परसेंटेज में आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 71.75%। क्लियर है साक्षी? अभी बाकी किसी को डाउट है? बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। चलो नेक्स्ट लाइन डालो। एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा, वो कवर कर लेते, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। शायद आप लोग पढ़ के आए होंगे पहले वाला भी, मैंने कल बोला था कि हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पढ़ के आना। चलो नेक्स्ट लाइन डालो। Solubility of gases, solubility of gases in liquid. क्या देखना है? Solubility of gases in liquid. तो generally gases are soluble in water. Gases are soluble in water and other liquid also. And their solubility depends upon the nature of the gas. Gas कौन सी है और कैसे soluble होगी उस पर depend रहेगी। जैसे non-polar gases है, जैसे non-polar gases में मैं example दूँ तो O2 होगा, N2 है यहाँ पे, have a less solubility in a polar solvent. जो यहाँ पे non-polar है, एक polar gases होगी जैसे CH4 है, थोड़ा सा उसमें polarity होती है, या non-polar gases है। तो नॉन पोलर गैसेस है वो लेस सोल्युबल करती है पोलर सॉल्वेंट में। और जैसे पोलर गैसेस कौन कौन सी होगी? पोलर गैसेस में अगर एग्जांपल लूं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, HCl है, आर सोल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीन्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, if temperature increases, solubility is decreases, सही है ना? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो सोलिबिलिटी क्या होती है वहां पे? डिक्रीज होती है। Why? या मैं उसी क्वेश्चन को घुमा के बोलू कि हाउ डज सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन वॉटर वैरीज विथ टेम्परेचर। अगर मैं सोलिबिलिटी को चेंज करती हूँ तो वो वैरी करता है, टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करेगा। जहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है वहां पर अलग दिखाएगा, ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऑल दीज गैसेस आर सोल्युबल इन वॉटर एंड अदर लिक्विड, बट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा है। क्या था चार्ल्स लॉ? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे था तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ गिवन मास इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर में या गैसीय स्टेट में चार्ल्स लॉ पढ़ा है। चार्ल्स लॉ का क्या कहना था कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूं और वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर रहे हैं, कब इंक्रीज कर रहे हैं? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द डिजोल्व गैस है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वॉल्यूम
एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो वॉल्यूम ऑफ द डिजॉल्व गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ऑब्वियस है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. दिस इनॉर्मस इंक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, दिस इनॉर्मस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कैन नॉट अकोमोडेट बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. जो एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसको जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अकोमोडेट नहीं करते, वो उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है. Hence, excess of gas escape out in the form of bubbles. आप लोगों ने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती है, उसको शेक करते हो, जैसे ओपन करते हो बबल्स में इसमें बाहर आ जाता है. तो वही तो है. Therefore, solubility of gas क्या हो रही है? Decrease हो रही है with increase in the temperature. अगर आप temperature को बढ़ाते हो तो solubility of gas क्या करती है? Decrease करती है. लिखो question, लिखो, write down question. Why does solubility of a gas decreases with increase in temperature? With increase in temperature. Write down. चलो properly ऐसे लिखो. Write down first point. Write down. The gases are soluble in water. The gases are soluble in water and other liquid. The gases are soluble in water and other liquid. Next point. Write down next point. According to Charles Law, next point likho. According to Charles Law, the volume of given mass of a gas increases with the increase in temperature at constant pressure. Hence the volume of dissolved gas increases with the increase in temperature. Increases with the increase in temperature. Next point likhna hai. This enormous increase in volume of the gases cannot be accommodated. 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 This enormous increase in volume of the gases cannot be accommodated by the solvent molecule. Hence, excess of the gases escape out in the form of bubbles. Escape out in the form of bubbles. Therefore, solubility of a gases in liquid
solubility of gases in liquid decreases with temperature. Decreases with temperature. अभी इसके लिए एक लॉ आता है, वो लॉ हमें पढ़ना है. इंपॉर्टेंट लॉ है, हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ना है, हेनरीज लॉ. राइट डाउन. It state that solubility of a gas in liquid at constant temperature क्या होना चाहिए? Temperature. Solubility of a gas in liquid at constant temperature is proportional to the pressure of gas. Is proportional to the pressure of the gas. मतलब क्या हो रहा है? Solubility of a gas मतलब S क्या हुआ? Solubility directly proportional to the pressure. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस. यहां पे मैं एस इज इक्वल टू केपी लिखूं. केपी होता है हेनरीज कांस्टेंट. केपी के क्या होगा? केपी हेनरीज कांस्टेंट. एस क्या होता है? एस होता है सोलुबिलिटी. एस क्या होगा? सोलुबिलिटी. यहाँ पे पी क्या है? प्रेशर. पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर. अगर मैं के लिखू, के इज इक्वल टू सोलुबिलिटी बाय प्रेशर हो जाएगा. सोलुबिलिटी हम यहाँ पे जो सोलिबिलिटी है किसमें करते हैं? मोल पर डीएम क्यूब में. सोलिबिलिटी किसमें मेजर करेंगे? मोल पर डीएम क्यूब में. प्रेशर किसमें मेजर करेंगे? एटीएम में. तो जो हेनरीज कांस्टेंट है या हेनरीज लॉ कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या आएगा? उसका यूनिट आता है मोल पर डीएम क्यूब और यहां से एटीएम इनवर्स. तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट भी आपको याद रखना है. हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट भी आपको याद रखना है. अभी ये कहां पे पाया जाता है? जो लॉ हमने पढ़ा है, जो हेनरीज लॉ हमने पढ़ा है, वो एग्जैक्टली कहां पे होता है? कि सोलुबिलिटी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा सोलुबिलिटी बढ़ेगी. जितना प्रेशर आप डिक्रीज करोगे उतनी ही सोलुबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो आपको तो पता है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे. कोल्ड ड्रिंक्स में होता क्या है? दैट इज कॉल्ड एज एरेटेड ड्रिंक्स, और या इसी को बोलेंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में. तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हो क्या रहा है कि जो बॉटल होती है, द बॉटल इज या कोको कोला है या थम्सअप है, वॉट एवर जो भी लेना है, तो बॉटल इज फिल्ड बाय डिजोल्विंग CO2. बॉटल में क्या होता है? CO2 डिजोल्व होता है और एक हायर प्रेशर पे डिजोल्व किया जाता है. जो बॉटल है उसमें CO2 होता है, वो हायर प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है यहाँ पे और उसके सील किया जाता है. अब यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस है वो अनडिसॉल्व CO2 रहता है. वहां पे वो कैसा रहता है? अनडिसॉल्व CO2 ड्यू टू हाई प्रेशर. वहां पे अगर हमें हाई प्रेशर अप्लाई करूं तो अमाउंट ऑफ जो CO2 होता है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है. लेकिन जब भी आप जो कैप है, बॉटल की जो कैप है, ओपन करते हो तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? लोअर होगा, डिक्रीज होगा. आप क्या करते हो? प्रेशर रिलीज करते हो. जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो एक्सेस गैस क्या होती है? इफरवेंसेंस में बाहर आती है. तो दैट इज अ इलस्ट्रेशन, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ किसका एग्जांपल है? हेनरीज लॉ का एग्जांपल है. उसका यूनिट क्या रहेगा? मोल पर डीएम क्यूब एटीएम इनवर्स. चलो नोट करो जल्दी से, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं. क्लियर हुआ हेनरीज? क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में हेनरीज लॉ पूछा जाता है. हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ में से एक लॉ जरूर आएगा, हेनरीज या राउट्स में से. चलो आगे बढ़े.
क्लियर है यहाँ तक? प्रॉपरली स्टेटमेंट लिखना विद एग्जाम्पल बोलेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जाम्पल देना है आपको, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स. चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जल्दी से इस पे. राइट डाउन क्वेश्चन वन, डिसोल्युबिलिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसोल्युबिलिटी ऑफ dissolve oxygen to 27 degree Celsius is 2.6 into 10 raised to the power minus 3 mole per dm cube at 2 atm. Find its solubility at 8.4 atm and 27 degree Celsius. चलो ये तो वैल्यू पुट करो बस, फॉर्मूले में कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं होता है ये क्वेश्चन, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो. वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो फास्ट. चलो जल्दी जल्दी. ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस दोनों में कांस्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर. किस पे होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. Good. साहिल ये तीन सही है. Good बेटा. जोएल कुछ आ रहा है? 10 raised to the power कुछ आ रहा है? हाँ. Good. Good. सूरज गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है. गुड जोएल, सिंपल फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू के पी. दोनों के लिए के कांस्टेंट है, दोनों के लिए के सेम रहेगा, उसको कैंसिल कर दो. एस वन इज इक्वल टू पी वन, एस टू इज इक्वल टू पी टू लिखो. चलो हो गया, क्या करोगे? कुछ ज्यादा ये नहीं है इसमें. पहले इक्वेशन एस वन इज इक्वल टू के पी वन, एस टू इज इक्वल टू दो है के पी टू, डिवाइड कर दो, के की कैंसिल होगा, एस वन बाय एस टू इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू. सोलिबिलिटी ऑफ डिजोल्व गैस 2.6 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 3
फाइंड सॉल्युबिलिटी, तो H2 निकालना है। P1 कितना दिया है 2 atm, और कितने पे निकालना है 8.4 पे, तो H2 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे कितनी आ रही, 1 point आ रही होगी शायद। यस प्रीति, 1.092 × 10⁻²। अगर किसी लोगों ने 10 point लिखा है तो -3 आएगा, किसी लोगों ने 10.3 लिखा है तो -3 आएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर? सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो सही में इजी चैप्टर है, ऐसा कोई ज्यादा आपको लगा नहीं होगा कि बहुत ट्रिकी कोई ज्यादा चीजें नहीं है। तो आज हम ऑलमोस्ट लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने कल ही आपको कहा था कि प्लीज पढ़ के आना है, स्टार्टिंग से लेके कल जितना हुआ या आज का हुआ, आज तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो शायद आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी प्रीवियस ईयर्स के, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन देखो आप कितना सॉल्व कर पाते हो। आंसर तो मैं एक एक करके बताऊंगी, पहले 5 क्वेश्चन लिख के देती हूँ। 5 क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो पहले आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कितना आ रहा है आपको, आप कितना कर पा रहे हो। चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, सबने ट्राई करना है, सब लोगों ने ट्राई करना है। घर जाने की जल्दी मत, घर में ही हो, एक एक करके निकलो मत। राइट ऑन, ये आया था जेई 2016 में, जो अभी क्वेश्चन लिख के दे रही हूं ये है 2016 का। 18 ग्राम ग्लूकोज प्लस 178.2 ग्राम वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टॉर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन इज ए 760, ऑप्शन बी 752.4 टॉर, ऑप्शन सी 759 टॉर। देखो बहुत नियरेस्ट है और ये है 76.6, यहाँ पे ये है 76। सेकंड क्वेश्चन, मिक्सचर शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. ये क्वेश्चन था जेई एडवांस का 2016, अगर आप देख लो एक बार चेक कर लो जो मेरे पास दिखाई दे रहा है। CaCl4 प्लस CH3OH, ऑप्शन बी CH2 प्लस CH3C double bond OH positive, C6H6 plus C6H5CH3, and option D C6H5OH plus C6H5NH2. Third question, freezing point of benzene
डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ध्यान देना एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इज एडेड टू, इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इफ एसिटिक एसिड associates to form a dimer in benzene. Percentage of association of acid will be, दिखेगा नहीं तो मैं कैमरा नीचे कर दूंगी, डोंट वरी. केएफ दिया हुआ है 5.12, ऑप्शन लिख लो यहाँ पे, ए 64.6%, ऑप्शन बी 80.4%, ऑप्शन सी 74.6%, या ऑप्शन डी 94.6%. अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपके पास से क्लियर हो रहे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. चलो चलो, किसी को फर्स्ट का आंसर आया है? जिनको फर्स्ट का आंसर आया है देखो, सिर्फ ऑप्शन डालो ए बी सी डी. किसी को आया है फर्स्ट का आंसर? किसी को नहीं आया. किसी का आंसर नहीं है फर्स्ट का. 18 ग्राम ग्लूकोज है, 178.2 ग्राम वाटर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, बट आंसर किसी का नहीं आ रहा है. कोई तो होगा जो मुझे आंसर दे दे. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है 373 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस. तो वैसे भी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर होता है 1 atm. लेकिन हमें 1 atm नहीं चाहिए, 1 atm को हमें टॉर में निकालना है. तो 1 atm इज इक्वल टू हाउ मेनी टॉर? 1 atm is equal to 760 tor. अभी शायद बात समझ में आ गई होगी.
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 1 atm. 1 atm इज इक्वल टू 760 torr. साहिल गलत हो रहा है. साहिल अप्रोक्सीमेट आंसर देखो 752.4 भी है 759 भी है. ये तो ठीक है थोड़ा दूर है. इसीलिए मैंने कुछ पढ़ने के लिए कहा था धीरे धीरे निकलो मत क्वेश्चन करने हैं. और आपको पता ना 4 बजे तक लेक्चर है आपका. गुड आदित्य. अथर्व 4 है 2 to 4 है आज. चलो निकालो आंसर क्या कर रहे हो. गुड जोएल वेरी गुड. अभी मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी तो आंसर तो आना चाहिए. चलो जल्दी जल्दी. गुड प्रीति. गुड सूरज वेरी गुड. देखो इस तरह से सोचना पड़ेगा. यही वाले क्वेश्चन दे रहे में कुछ अलग नहीं है बट आपको वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सोचना पड़ेगा. 1 atm है. 1 atm इज इक्वल टू हाउ मेनी टोर 760 torr. चलो अगर हो गया है सेकंड सॉल्व करो. मिक्सचर शोविंग पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल लिख के दिया है मैंने. पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कब होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा. किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो. पॉजिटिव डेविएशन बस हो गया. चलो सेकंड का आंसर डालो. जोएल क्या है फर्स्ट और सेकंड का आंसर. प्रीति पॉजिटिव डेविएशन कुछ बताया था मैंने नॉन पोलार. गुड प्रीति. प्रीति लेकिन ऑप्शन 2 भी तो हो सकता है सेकंड भी तो हो सकता है. आदित्य किसका आंसर है. आदित्य तूने नॉन पोलार तो देख ले सुन लिया है लेकिन उसमें लोन पेयर होगा वो भी तो पॉजिटिव दिखाएगा. सेकेंड में कंफ्यूजन क्यों है. पॉजिटिव डिवीजन में क्या लिख के दिया था नॉन पोलर और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. हाँ जोएल वेरी गुड जोएल. चलो फर्स्ट का आंसर किसी को चाहिए. फर्स्ट का सॉल्व करना है थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो यार क्वेश्चन बहुत करने हैं मुझे. फर्स्ट का सबको समझ में आ गया है छोड़ दो उसको. यस फर्स्ट का जो आंसर है क्या साक्षी. यस क्या चाहिए सॉल्व करके या आपको आ गया है. ओके
यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर होता है 1 atm एंड 1 atm टॉर में बात करनी है 760 टॉर होगा, यही तो होगा ना 760 टॉर चाहिए यहाँ पे। तो प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इनटू क्या होगा मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या बोला है, वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये तो पता ही है अभी कितना है 760। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, यहाँ पे वाटर का, तो मोल फ्रैक्शन मतलब वाटर का गिवन कितना है यहाँ पे 178.2 डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे मोलर मास 18, नीचे क्या हो जाएगा 178.2 ये 18 हो जाएगा प्लस 18 बाय ये कितना होगा 180। तो यहाँ पे आप आंसर निकाल लो, क्लियर हुआ है, दिखाई दे रहा है ना 18/180। देखो यहाँ मिक्सचर शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, मैंने कहा था नॉन पोलर, अभी आप बोलोगे कि नॉन पोलर तो सभी में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे पहले नॉन पोलर था लेकिन जैसे ये दिखाएगा इस तरह से दिखाएगा, थोड़ा सा ऊपर का कलर रफ कर देती हूँ मैं, ये देखो ये है इस तरह से, यहाँ पे Cl4 है, ये Cl4 है और यहाँ पे क्या है CH3OH है, ये देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा बिकॉज ऑफ इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर इसको अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा मतलब ये सॉल्यूशन बनेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे भी सल्फर है, उसके बाद यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है CH3 कंटेनिंग लोन पेयर, अभी ये सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये भी बॉन्ड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है, बट ये पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा और ना ही इसमें भी पॉजिटिव डेविएशन होगा, तो ऑप्शन ए और बी रहेगा, ए और बी। उसके बाद थर्ड का किसी का आंसर आया हुआ है, थर्ड का आंसर आया किसी का, चलो सॉल्व करें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय, मतलब डेल्टा टीएफ दिया गया है, कितना है डेल्टा टीएफ 0.45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी यहां पे बोलो व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डाला हुआ, अभी एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई आ जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आ गया, अभी डेल्टा टी एफ कितना है 0.45, के एफ की वैल्यू दी है 5.12, मोलालिटी कितना दिया है 0.2 ग्राम बोला है एसिटिक एसिड, 0.2 गिवन मास बाय मोलार मास, मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड निकाला था क्या मैंने CH3COH कितना आया था 60 आया था ना शायद 60, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 20 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया है, 20 ग्राम ऑफ बेंजीन दे दी बट 0.02 ग्राम 0.02 लीटर इनटू आई, यहाँ पे क्या दिया इनटू आई, तो यहां से आप आई की वैल्यू निकाल लो, यहां से आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट करो आई कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो आई कितना आ रहा है यहाँ पे, निकालो तब तक आई निकालो आप मुझे बताओ, आई मैं लॉक कर देती हूँ, आपने लिख लिया था ना सबने, अभी देखो तब तक आप आई निकालो, एसिटिक एसिड CH3COH डाइमराइज हो रहा है, क्या लिखोगे
CH3COOH by 2, ठीक है, ये लिखोगे यहाँ पे by 2, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, 1 minus alpha, तो ये कितना होगा, alpha by 2 होगा, पढ़ा है हमने ये, alpha by 2, I कैसे निकालोगे, 1 minus alpha plus alpha by 2 divided by 1 हो जाएगा, 2 alpha minus alpha, तो ये 1 minus alpha by 2 हो जाएगा, 1 minus alpha by 2, तो I is equal to 1 minus alpha by 2, I की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, अगर I की वैल्यू डालोगे, ओके साई रुको, यहाँ पे I की वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, परसेंटेज डिसोसिएशन का है, तो यहाँ पे जो अल्फा का आता है, परसेंटेज ऑफ अल्फा आता है, वो होता है 94.6, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी। अभी मुझे बता पोलार मतलब क्या है, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहे, ये देख, ये ClCl है, CCl4 होगा, क्लोरोफॉर्म है, ये सब नॉन पोलार होते हैं, और जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है वो होते हैं पोलार नेचर। क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन की स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा। अभी मुझे बताओ इसमें क्या कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, लेकिन जब ये सोल्यूशन में जाएगा किसके साथ जा रहा है, यहाँ पे CH3OH के साथ, इसमें से तो पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी क्या, नहीं, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे लोन पेयर है तो लोन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनना था क्या, नहीं, लेकिन बॉन्ड बन रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, अगर बॉन्ड वीक हो जाता है तो निगेटिव, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है साहिब, बाय। यहाँ पे देख, ओके, बाद में देखते, ये भी समझ में आया, ऑप्शन यहाँ पे डी, परसेंटेज, इस तरह का क्वेश्चन हमने लिया था शायद इसके पहले, नेक्स्ट उसके बाद लिखो, राइट डाउन फोर्थ, 0.5 मोलार C2H5OH, 0.1 मोलार Mg3PO4 by 2, 0.25 मोलार KBr, 0.125 मोलार Na3PO4, ठीक है, और आपको पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या पूछा है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पूछा है, एज्यूम करना है ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस, सबका टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, चलो ट्राई करो, सबका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो अभी अभी हुआ है, ये तो आना ही चाहिए, जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन आया है 2014 में, जेई में 2014 का क्वेश्चन है, जेई का,
हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर? अगर आपको दिया नहीं है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, अज्यूम करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो रहे हैं। चलो, किसी का आंसर नहीं आया। प्रीति, साहिल, सोनाली, चलो जल्दी करो यार, 1 मिनट करो तो क्वेश्चन आज होंगे नहीं फिर। प्रतीक, साक्षी गलत है, साक्षी चलो करते हैं। चलो मैं बताती हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंटू क्या हो जाएगा, आर आर तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, टी भी सबके लिए कांस्टेंट है, तो ये हटा दो आर और टी को हटा दो। पहला देखते हैं, सी टू एच फाइव ओ एच, पहला क्या है C2H5OH, उसके लिए पाई की वैल्यू निकालो। C कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5, और आपको पता है कि अल्कोहल है, अल्कोहल डिसोसिएट नहीं होता, अल्कोहल डिसोसिएट नहीं होता, पूरा का पूरा सॉल्यूशन में रहेगा। अगर पूरा का पूरा रह रहा है तो 1 into RT को मैं कॉमन ही रखती हूँ, RT को कॉमन रखती हूँ, ठीक है 1 होगा। आंसर कितना है 0.5 RT, ठीक है RT की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, उसमें क्या है 0.5 RT। उसके बाद देखो किसका है, Mg3PO4/2, पाई निकालो, कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया है। Mg3 को अगर डिसोसिएट करोगे तो ये 3 होगा, ये 2 होगा। गुड प्रीति, वेरी गुड, 3 और 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 3 और 2 कितना होगा 5 RT, यहाँ पे ये भी कितना आया 0.5 RT आ रहा है। गुड जोएल, वेरी गुड। उसके बाद KBr के लिए पाई देखो, पाई इज इक्वल टू 0.25 K+Br-2 हो जाएगा RT, ये भी 0.5 RT आ रहा है। Na3PO4 पाई इज इक्वल टू 0.125, इसके लिए आए 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 RT, इसका भी 0.5 RT। ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा कोई ये नहीं है, ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ है कैसे निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर? हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसी का नहीं है, सबका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर है? अभी ये क्वेश्चन आया था 2014 में, इसके बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जेईई और नीट में ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर पे पूछा गया है शायद। उसके बाद देखो, वन मोलार यूरिया एंड वन मोलार
C6H5COH दिखाई दे रहा है क्या वहां पे? हाँ दिखाई दे रहा है, C6H5COH इन वॉटर, कहां पे? इन वॉटर में, ठीक है। आपको निकालना है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको निकालना है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, या अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हिसाब से। ये फोर्थ नंबर था ना, फिफ्थ, सिक्स। 1% यूरिया दिया हुआ है, 1% NaCl दिया है, 1% दिया है Na2SO4, और सबका दिया है W/V, सबका दिया है W/V, और इसमें भी पूछा है हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट, या अरेंज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले फिफ्थ में निकाल लो, फिफ्थ का तो इजी है, शायद समझ में आ गया होगा। सबकी मोलरिटी सेम है, किसका रहेगा हाईएस्ट? प्रीति, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी भी तो कॉमन दिखाई दे रहा है, आर भी कॉमन है, टी भी कॉमन है, मतलब पाई डिपेंड करेगा वेंट हॉफ फैक्टर पे, पाई इज इक्वल टू आई, जिसके लिए आई ज्यादा होगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्या सोच रहे हो, सोचने वाली सोच की लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब भी आंसर नहीं आ रहा है जल्दी से, कि समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसमें आई ज्यादा होगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। गुड आदित्य, जिसकी आय की वैल्यू ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। साक्षी सबका सेम कैसे आ रहा है? फिफ्थ की बात कर रही हूं, फिफ्थ में बात करूं, सबका सेम कैसे हो सकता है? साहिल नहीं, गलत हो रहा है। अरे देखो ना क्या कंफ्यूजन क्या है, NaCl डिसोसिएट करेगा Na प्लस और Cl माइनस में, I की वैल्यू कितनी आ गई? दो है। यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज इसके लिए I की वैल्यू कितनी आती है? वन आती है ना, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बेंजोइक एसिड I की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। डाइमराइज भूल गए क्या? डाइमर फॉर्म करता है। यहाँ पे क्या है? पाई इज इक्वल टू आई, तो सबसे ज्यादा आई किसके लिए है? NaCl के लिए है। उसके बाद आई किसके लिए है? यूरिया के लिए, और सबसे कम किसके लिए है? बेंजोइक एसिड। मैंने बताया एग्जाम्पल याद रखना, बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है। यूरिया आई की वैल्यू पूरी की पूरी वन होती है, वो ना डिसोसिएट नहीं करता ना एसोसिएट करता है, सोल्यूशन में जाके जितना है उतना ही रहेगा। चलो यहाँ पे देखो, 1% यूरिया, 1% NaCl, 1% Na2SO4 है। अच्छा तूने यूरिया को भी डिसोसिएट किया? यूरिया को कैसे डिसोसिएट किया साहिल? मतलब मैंने आज तक देखा नहीं यूरिया को, कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे किया भाई तूने? चलो ये क्या रहेगा? W/V, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंटू आई, आर टी तो कॉमन है सब में, आर टी कॉमन रहेगा। अभी देखो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू, पहले के लिए पाई इज इक्वल टू वन, इसका मीनिंग क्या? 1 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 100 ml सोल्यूशन, 1 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 100 ml सोल्यूशन। C क्या होता है? C होता है N/V, number of moles per liter into volume।
इनटू क्या रहेगा, आर रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 1 ग्राम गिवन 1 ग्राम, मोलार मास ऑफ यूरिया कितना है 60 है, 1/60, वॉल्यूम कितना है 100 ml, लेकिन लीटर में चाहिए तो 0.1 लीटर हो जाएगा, तो 1/60 इनटू यहाँ पे इनटू आई रहेगा इनटू आई, ठीक है। आई तो कितना होगा, 1 होगा, यूरिया की बात करें तो आई तो 1 ही होना है, तो पॉइंट पॉइंट के साथ कैंसिल, 1/6 आ रहा होगा, कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है, सही है। NaCl सेकंड, 1 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो सेम ही आ रहा है, पाई इज इक्वल टू 1/ NaCl, Na होता है 23, ये होगा 37.5, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35.5 होता है, 58.5, 58.1 NaCl मतलब इनटू 2 आएगा, I की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है, I की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसको निकालो, ये आ रहा है 1/2.92 Na2SO4, थर्ड निकालो, पाई इज इक्वल टू 1 ग्राम, मोलार मास कितना आएगा 12 हो जाएगा, 4.7, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी बार पाई की वैल्यू, तो सेकंड बी मतलब किसके लिए ज्यादा है NaCl, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए ज्यादा है NaCl, उसके बाद किसके लिए ज्यादा आ रहा है चलो हाँ हाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, अरे मैं म्यूट थी, नेटवर्क प्रॉब्लम। कुछ होमवर्क ले लो, दो होमवर्क देती हूँ, प्लीज दोनों होमवर्क ट्राई करो, प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है ये, और ये भी अभी तक हमने देखा तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन चल रहे इतने। चलो होमवर्क ले लो और प्लीज ट्राई करो। द फ्रीजिंग पॉइंट इन 0 so in degree Celsius of solution containing 0.1 gram K3FeCN/6 molecular weight दिया हुआ, इसका molecular weight is equal to 329 in 100 gram water is
वाटर इज गिवन है केएफ, केएफ है 1.86, अभी मैं यूनिट नहीं लिखूंगी. ऑप्शन ए -2.3 × 10⁻²⁻², ऑप्शन बी -5.7 × 10⁻²⁻², ऑप्शन सी -5.7 × 10⁻³, एंड ऑप्शन डी -1.2 × 10⁻²⁻². नेक्स्ट होमवर्क लें. सेकंड, At a given temperature, which of the following will have maximum osmotic pressure. Assume 100% dissociation. Option A, 1 molar NaCl. Option B, 1 molar Na2SO4. Or option C, 1 molar Al2 SO4/3. इन दोनों के आंसर निकाल लो अच्छे से. दोनों प्रीवियस इयर्स के शायद, एक 17 और एक 12 का है क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर हो गया. यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है. उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा हम स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो लिख लिया है. चलो फिर क्लास में यही पेंट कर रही हूँ अभी. आज चैप्टर खत्म. चलो बाय बाय. बाय एवरीवन. क्या हुआ, सब थक गए क्या एकदम से? 2 घंटे क्लास हो गई तो. बाय अभय. बाय. चलो बाय ज्वेल. जितने भी प्रीवियस इयर्स के प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो.